अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गौर व फिक्र कर रहे थे, खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा कभी कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तोशा लेके जाती थी, खाना बनाकर पानी साथ में लेकर गारे हिरा तक पैदल जाती थी। और वो सफर कितना है मालूम है? आज भी अगर कभी उमरा जाने का मौका मिला तो जाकर देखिए, अच्छा खासा नौजवान ताकत वाला आदमी भी गारे हिरा तक एक मरतबा जाके आने के लिए थक जाता है। ऐसे रास्ते पर खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा शोहर के लिए, कौन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना बना के, सालन बना के लेके जाती है। हालांकि मैंने उस दिन बताया था आपको तफसील के साथ खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद के ताल्लुक से घर के हालात क्या है, ये तमाम चीजें बताया था। खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा मालदार खातून थी, मालदार खातून, बिजनेस करती थी, कारोबार करती थी, पैसे की किसी चीज की कमी नहीं थी, बच्चों की तरबियत भी करना था घर में रहकर, चाहती तो लौंडियों को, नौकरानियों को रख सकती थी घर में, लेकिन नहीं, शोहर की खिदमत खुद करती थी, शोहर की खिदमत खुद करती थी। इतनी दूर जाने के बावजूद कभी कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना बना के लेके जाना, इतना लंबा सफर करना, खाना बना के पानी साथ में लेके जाना, और कभी ये शिकायत नहीं, कभी ये शिकायत नहीं किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों जाते इतनी दूर, आप क्यों जाते काम वगैरह सब छोड़कर, काम कारोबार कुछ भी करने का नहीं है क्या, घर में जिंदगी कैसे गुजरना, क्या नहीं लेके आते, क्या ऐसा बैठ गए तो कैसा, इतने इतने दिन। आज की औरतें होती तो क्या बोलती, आज की औरतों का तो क्या कहना कि शोहर अगर ऑफिस से या कारोबार से या दुकान से या जॉब से अगर 10 मिनट भी किसी दिन देर से आ गए तो फिर उस दिन जहन्नुम। हर आधे घंटे पर कॉल करने वाली कितनी घरों को औरतें ऐसी मिलती है जो घरों को जहन्नुम बना के रख दी, हर आधे घंटे पर। कुछ लोगों के ऐसे वाकियात भी सुना कि जब मैडम का कॉल आता है तो शोहर को सेल्फी लेके हुए उसको यकीन दिलाना पड़ता, मैडम मैं यहीं पर हूं, यानी बीवी को यकीन नहीं आता जब तक के शोहर सेल्फी लेके नहीं भेजता कि तू किस जगह पर बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर। लेकिन खदीजा रजी अल्लाह ताला ना लौंडी, गुलाम, नौकरानिया किसी को भी नहीं, हालांकि मालदार खातून है, पैसे वाली है, फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए इतनी दूर जाती थी। और कौन, इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पूरी जिंदगी कौन सी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पूरी जिंदगी, जब से शादी हुई उस वक्त से लेकर इंतकाल तक, कभी एक मर्तबा भी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से नाराज हुए, एक मर्तबा भी ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। गौर करना इस वाक्य पर, कितने भी मोहब्बत करने वाले आज अगर मियां बीवी हैं, लेकिन कभी ना कभी नाराजगी तो होती है, छोटी 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 बातों पर लड़ाइयां झगड़े तो होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा जोड़ा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिंदगी में कभी एक मौका भी ऐसा नहीं आया जिस मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से नाराज हुए हो, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, क्योंकि नाराज होने का मौका भी नहीं दी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, ऐसी खिदमत करती थी कि कभी नाराज होने का मौका नहीं दी। तो मैं बताने का मकसद ये तमाम, ये पूरा वाकिया इसलिए बताया कि एक दिन खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा निकली घर से, जिब्राइल अलैहिस्सलाम निकले आसमान से, क्या पैगाम लेकर निकले, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, क्या कहते हैं आकर, ऐ अल्लाह के रसूल, अभी जो औरत घर से निकली है आपके लिए खाना और पानी लेकर, वो औरत जैसे ही आपके पास आए, खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसे ही आपके पास आएंगी, उनको अल्लाह का सलाम सुनाना।
खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए अल्लाह ताला आज सलाम भेजा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्हें जन्नत में एक मोतियों वाले घर की खुशखबरी भी दे देना। वो जिब्राइल जो फरिश्तों के सरदार है, वो जिब्राइल जो कभी रब का कलाम लेके आते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आज वही जिब्राइल रब का सलाम लेके आ रहे हैं। किसके लिए? एक औरत के लिए। कौन सी औरत? खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए। किस लिए ला रहे हैं? शोहर की इतनी खिदमत कर रही है तो रब उनको सलाम भेज रहा है। फरिश्तों की मोहब्बत देखिए, फरिश्तों की मोहब्बत देखिए सहाबा से अल्लाह के लिए गौर करना। आज घरों के आधे झगड़े सिर्फ इसी वजह से होते हैं कि शोहर की खिदमत या बीवी के हुकूक, कभी बीवी पर जुल्म तो कहीं शोहर पर जुल्म, ये दो ऐसे खतरनाक मसले हो गए हैं जो घरों को आज जहन्नुम बना के रख दिए। मेरी माँ बहनों, अगर हम सीरत पढ़ते, अगर हम सहाबा की जिंदगियां देखते, तो ना औरत पर जुल्म होगा ना मर्द पर जुल्म हो सकता है।